कुछ गंभीर बातें हैं जो कि मैं पूरी बिहार की जनता को मैं बताने का काम करने वाला हूँ अभी और यह गंभीर बातें जो है हमारे जीवन काल से रिलेटेड हैं कि, कि किस तरीके से लोग कहते हैं विरोधी कहते हैं लोग कहते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ऐसे लोगों को मतलब कि मेरी छवि को खासकर मेरी जो बिहार की जो पवित्र जनता है माताएं, बहनें, भाई बुज़ुर्ग आप तमाम लोगों के सामने मैं तेज प्रताप यादव आज लाइव आने का काम किया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप लोग जानते हैं कि चार साल से मेरा किस चीज़ का मामला चल रहा है लगातार चार साल से हमारा डिवोर्स केस का मामला चल रहा है और हम इसमें यह कहना चाहेंगे इस मसले पे तो हम कुछ नहीं कह कह रहे थे इतने दिनों से और इस बात को छिड़ी भी नहीं जा रही थी लेकिन हम आपके सामने चार साल से मैं चुप था और मैं कुछ नहीं बोल रहा था देखिए करने के लिए हमारे पास हमारे परिवार को हमारी माता को हमारी बहन को हमारे भाई को हमारे पिताजी को लगातार इस मामले में जिस तरीके से हमारे घर पे उन लोगों ने चढ़ने का काम किया और किस तरीके से बदनाम करने का काम किया पूरी बिहार की जनता भी देखी और किस तरीके से जो लोग ये करनामा कर रहे थे पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया कि किस तरीके से इस तरीके का मतलब कि जो आदमी सपने में भी इस तरीके का चीज को नहीं देखा है वो आदमी देखने का आज काम किया और हमारा जो मामला डेवोर्स का जो चल रहा है लगातार कोर्ट में और हम लोग लगातार हर एक चीजों को देखने का काम कर रहे हैं हर एक चीजों को मैं झेलने का काम कर रहा हूं कि किस तरीके से इस मामले में हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया गया खासकर मेरी बिहार की जो जनता है इतनी कमजोर नहीं है बिहार की जो जनता है हर एक चीज जानती है और हर एक चीज देखती है ऐसे ही चार विधायक हमारे राष्ट्रीय जनता दल में नहीं आए हैं कुछ सोच करके आए हैं कि ये लोग अच्छा करेंगे समाज हित की बात करने का, का काम करते हैं लेकिन कुछ जो चंद मीडिया है चंद मीडिया की हम बात कर लें जिस तरीके से हमने कोर्ट के द्वारा और ये जज का भी फैसला है और जज ने भी जब हमने डेवोर्स को फाइल किया था तो जज जो था जो जज जो थे कोर्ट के फैमिली कोर्ट के उन्होंने नोटिस दिया था सारे मीडिया को कि इस मामले को आपको पब्लिक में नहीं छेड़ने का काम करना है तो कुछ मीडिया के लोग जो हैं, जैसे कि आज हमको जिस मीडिया के माध्यम से हमको मिला प्राप्त हुआ न्यूज फॉर नेशन के माध्यम से हमको ये प्राप्त हुआ है और उनके अभी जो कोई थे कोई दिव्यांशु हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है इस मामले पर तो उन्होंने बोला कि कोर्ट से मिला है उसको मामला और जबकि ऐसा कोई बात नहीं है इस तरीके का कोई बात नहीं है कब क्या फैसला होगा नहीं होगा क्या होगा और वो हो क्या होकर और इसमें पूरे तरीके से हम बता दें देखिए हम वो करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे पास हमारे पास कई एक क्लिप्स हैं हमारे पास कई एक वीडियो है कि किस तरीके से हमको बोला गया मेरी माँ को गालियां दिया गया गंदी गंदी गालियां दी गई तो बहुत सारे क्लिप्स हैं और हम ये चाहते हैं कि वो लड़की है और लड़की का मामला जो है कि बहुत सेंटिमेंटल होता है और हम किसी की छवि को बदनाम नहीं कर रहे हैं लेकिन लगातार चार साल हो गए चार साल से लगातार हमारे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है हमसे कई करोड़ों का डिमांड किया जा रहा है तो ये मामला हम आपके बीच में लाने का काम करते हैं और कुछ जो मीडिया के लोग हैं इसको चलाने का काम कर रहे हैं जबकि जो मीडिया के लोग हैं उनको नोटिस भी जा चुका है कि इस मामले को छेड़छाड़ नहीं करना तो हम ये कहेंगे कि मीडिया के भाई लोग कोर्ट से नोटिस जा चुका कम से कम हाथ जोड़ के हमारा रिक्वेस्ट है हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मीडिया के भाई लोग कि कोर्ट का जो मामला है उसको आप लोग पब्लिक डोमिन में लाने का काम ना करें यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और आज का जो न्यूज जो न्यूज फाउंडेशन ने जो चलाने का काम किया उसमें लिखा है तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक की सुनवाई अब एक महीने बाद ये बिल्कुल गलत न्यूज है ये पूरे तरीके से फर्जी न्यूज इनको पैसे दे करके आरएसएस के द्वारा या हमको तो लगता है कि जो डाइवोर्स जो जिधर से चल रहा है उन लोगों के द्वारा पैसे दे करके इन मीडियाओं को चलवाने का काम किया जा रहा था ये कोर्ट का अवहेलना भी इन लोगों ने करने का काम किया है और यही चीज हम आपको लाइव आकर के बताना चाहते थे कि किस तरीके से हमको बार बार प्रताड़ित किया गया और लगातार चार साल से इस चीज को मैं झेलने का काम कर रहा हूं बल्कि मैं ही नहीं झेल रहा हूं हमारे साथ हमारे पिताजी भी झेलने का काम कर रहे हैं वो हम उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है लगातार वो बीमार पे बीमार होते चले जा रहे हैं लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये दुश्मन और ये जिस तरीके से डेवोर्स का जो मामला मामला चल रहा है यह चाह रहा है कि पूरे तरीके से सब चीज बिखर जाए लालू परिवार हर एक तरीके से बर्बाद हो जाए तो हम ये बिहार की जनता के सामने यह हमको सच्चाई रखना जरूरी था इसलिए हमने इस बात को रखने का काम किया आपके बीच में और ये कोर्ट का मामला है इसको कोर्ट में ही रहने दिया जाए इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये का ये बस नहीं समझाया जाए कि कोई भी आएगा इस पे अछड़ के निकल लेगा उस पे तो ये पब्लिक डोमेन में ना डाला जाए मीडिया के द्वारा नहीं डाला जाए ये चीज हम कहना चाहते हैं सारे लोगों को और हमको खुलासा करना होगा तो हमारे पास 1000 वीडियो है हम भी खुलासा कर सकते हैं हम भी वीडियो चलाने का काम कर सकते हैं और अगर इस मामले को नहीं रोका गया तो मैं आपके सामने जो दूध का दूध है अब पानी का पानी मैं करके रहूंगा अब मैं रुकूंगा नहीं कतई मैं नहीं रुकूंगा चार साल मैंने झेलने का काम किया है और इस वीडियो को पूरी बिहार की जनता देखेगी कि, कि किस तरीके से मेरी मां को मारा गया किस तरीके से हमको गालियां देने का काम किया गया किस तरीके से मेरे पिता को गाली देने का काम हुआ किस तरीके से मेरी बहनों को गाली देने का काम हुआ किस तरीके से हमारे भाई को गाली देने का काम किया गया तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं अगर ये चीज ना हो तो शांतिपूर्वक इस मामले को कोर्ट से ही खत्म करने का गुजारिश किया जाए हम यही पूरे बिहार की जनता से मांग करने का काम करते हैं और कोर्ट से भी हमारा मामला चल रहा है और कोर्ट पे हमारा पूरा पूर्ण तरीके से मैं विश्वास करता हूं न्यायाधीश पे माननीय न्यायाधीश पे मैं पूरे तरीके से विश्वास करता हूं और मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी हूं और मैं भगवान से भी मैं ये कामना करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामला को खत्म करने का काम करें धन्यवाद मैं यही आपके बीच में रखना चाहता था